अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने लगे हैं धनिए और पुदीने की चटनी। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें, आधी प्याली धनिया और आधी प्याली पुदीना। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 टीस्पून लेमन पेपर्स। अगर लेमन पेपर्स आपके पास नहीं है तो आप इसके जगह 1 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। चाट मसाला 1/2 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1/2 चाय का चम्मच, नमक भी 1/2 चाय का चम्मच, 1 छोटी सी प्याज, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, 3 से 4 जवे लहसुन के, अगर आपके पास मोटा लहसुन है, और अगर बारीक लहसुन है तो 7 से 8 जवे लहसुन के, थोड़ा सा सब्ज़ प्याज और 1 छोटा सा टमाटर। अब हम लोग अपने ब्लेंडर में डालेंगे सबसे पहले टमाटर, उसके बाद प्याज, सब्ज प्याज, अगर ये नहीं आपके पास है तो कोई बात नहीं, लहसुन, अदरक। पुदीना, धनिया, सब्ज मिर्च, और स्पाइसेस। अब इसमें सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी इसमें नहीं ऐड करना, और इसको अब ब्लेंड करते हैं। ये लें, चटनी तैयार है। अब इसका मैं आपको एक और बताती हूँ तरीका। इसको प्लेन चटनी को हम लोग सर्व कर सकते हैं सब्ज़ी के सालन के साथ, रोटी के साथ, और सुबह नाश्ते में पराठे के साथ भी बहुत ज़बरदस्त लगती है। इसके साथ साथ 1 चम्मच दही का, 1 चम्मच चटनी का प्लेन दही में ऐड करके इसको हम लोग सर्व कर सकते हैं पकौड़ों के साथ और समोसे के साथ। फिर 1 चम्मच चटनी ऐड करेंगे हम रायते में, और ये रायता पुलाव के साथ, प्लेन जीरे वाले राइस के साथ भी सर्व किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।